वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग इस फोटो को कलर ग्रेड करने वाले हैं, आप लोगों को करके दिखाएंगे इस ऐप से लाइटरूम से। लाइटरूम को टोटली यूज़ करेंगे एंड अपने इस फोटो को टोटली कलर ग्रेडिंग करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि आपके भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो उन्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइट्स को मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत कम है हमारे फोटो में, तो हम थोड़ा सा अपना एक्सपोजर 1 पॉइंट बढ़ाए हैं और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इसको अभी नहीं छेड़ेंगे। हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम करेंगे एंड शेडो को हल्का सा प्लस करेंगे एंड ब्लैक को थोड़ा कम करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कॉन्ट्रास्ट आ चुका है। तो पहले तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को कम करेंगे एंड वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड ब्लैक को थोड़ा सा कम करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में बिफोर एंड आफ्टर। तो आप लोग देख सकते हैं अगला स्टेप है हमारा कलर्स। तो कलर्स में जाएंगे, यहाँ पे ग्रेडिंग करेंगे। यहाँ पे ग्रेडिंग का ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले शेडो देखेंगे। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे एंड इसके ल्यूमिनेंस को हल्का सा प्लस सेट रखेंगे एंड ग्रेडिंग को प्लस पे रखेंगे, बैलेंस कर देंगे इसको, आप प्लस कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं और ये कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे है मेथड, इसको नहीं छेड़ेंगे, हाईलाइट्स पे चलेंगे। हाईलाइट पे चलने के बाद कॉपी हाईलाइट सेटिंग, ये इस पर नहीं छेड़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप प्लस करेंगे एंड इस पर कुछ इस तरीके से छोड़ देंगे एंड नीचे देंगे लिमिट्स को माइनस करेंगे, ग्रेडिंग को बढ़ाएंगे। तो ये वही सेटिंग रहेगा। और इस पर चलेंगे कलर ग्रेडिंग के ऑप्शन पे, तो यहाँ से हल्का सा ब्लू की साइड रखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे फोटो में बिफोर एंड आफ्टर। तो अब चलते हैं यहाँ पे पहले टेम्परेचर को प्लस करेंगे। टेम्परेचर को हल्का सा प्लस करने के बाद वाइब्रेंस को, जो भी हमारे फोटो में कलर्स हटे हैं वो वापस से आ जाए, तो इसको वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे एंड मिक्स टूल पे क्लिक करेंगे एंड इसको थोड़ा सा माइनस पे रखेंगे, इसको प्लस पे रखेंगे। एंड जो सेकंड वाला कलर है इसको हम लोग, ये हमारे फेस का कलर है, तो इसको थोड़ा सा ल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे ताकि हमारे फेस पे लाइट आ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं हल्का सा इसको माइनस भी करेंगे, हल्का सा आप लोग देख सकते हैं इसको भी थोड़ा सा हल्का सा माइनस करेंगे, हल्का सा 2 पॉइंट। एंड जो येलो कलर है वो हमारे फोटो में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको कम करेंगे, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो कुछ इस तरीके से करना है। एंड ग्रीन को इसको भी कम करेंगे, आप लोग देख सकते हैं इसको भी पूरा कम कर दे रहे हैं। तो कुछ ब्लैक एंड वाइट टोन हमारे फोटो में आ चुकी है। ब्लू, तो ब्लू हमारा स्वेटर है तो इसको नहीं छेड़ेंगे, इसे ही रहने देंगे। एंड ये सब कुछ तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड अब फिर से चलेंगे अपने लाइट वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे हमारे फोटो में कौन से टोन की ज़रूरत है। तो पहले तो इस पर क्लिक करेंगे, एक पॉइंट देंगे यहाँ पे, एक पॉइंट देंगे और यहाँ पे एक पॉइंट देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस पर भी एक पॉइंट यहाँ पे देंगे, एक पॉइंट यहाँ पे देंगे, 3 पॉइंट देंगे, उसके बाद अपने फ़ोटो को कलर ग्रेड करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कलर ग्रेडिंग करना है। हल्का फुल्का ऊपर नीचे करके देख लेना है अपना शैडो ये। एंड अब हमारा जो ब्लू टोन है इस पर भी थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा फोटो कलर ग्रेडिंग हो चुका है। तो अभी हम थोड़ा सा लाइट्स यहाँ पे देंगे, जैसा कि हमारे पीछे से जब यहाँ पे लाइट आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लाइट आ रहा है, तो ऐसा लगे कि हमारे फेस पे लाइट आ रहा है। गलती से हो गया, माइनस पे कर देते हैं इसको। तो इसको डन करते हैं एंड चलेंगे अपने मास्किंग वाले ऑप्शन पे आएंगे। मास्किंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद प्लस पे क्लिक करेंगे एंड रेडियल ग्रेडियंट एक ऑप्शन है, इसको क्लिक सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस कुछ इस तरीके से, और इस तरह से कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कर देंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इसको ऐसे लगा देंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देंगे एंड
लाइट्स को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जैसा ऐसा लग रहा है कि उधर से हमारे ऊपर लाइट आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से इसको कम कर देना है एंड डन। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने फ़ोटो में थोड़ा सा डिटेल लाएंगे। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने अगले टूल पे, इफेक्ट वाले। तो इफेक्ट वाले टूल पे क्लिक करेंगे एंड टेक्सचर पे क्लिक करेंगे और टेक्सचर हल्का सा देंगे। और आप लोग चाहें तो थोड़ा सा और सा और देने के लिए डीएस को क्लिक करिए, डीएस दीजिए एंड डन। तो विग्नेट को थोड़ा सा कम करेंगे एंड इसको मिक्स कर देंगे, मिड पॉइंट प्लस रखेंगे एंड फर्दर को कम प्लस कर देंगे, राउंडेंस को कम प्लस कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे फ़ोटो में टोन आ जाएगा एंड आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर बिफोर। तो अब चलिए कुछ फ़ोटो को शार्प कर देते हैं ताकि हम लोग हमारा फेस जो है शार्प हो जाए। देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से इसको शार्प करेंगे और एंड डिटेल्स को बढ़ाएंगे, मास्किंग करेंगे, नॉइज कंट्रास्ट नॉइज रिडक्शन, कुछ इस तरीके से आप लोगों को अपने फ़ोटो में करना है। एंड आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कलर ग्रेडिंग कैसे करें कुछ इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा फ़ोटो बहुत ही अच्छे तरीके से कलर ग्रेड हो चुका है। हमारे फेस में थोड़ा सा लाइट कम लग रहा है, तो इस पे कलर पे चलेंगे एंड सेकेंड वाले कलर पे सेलेक्ट करेंगे और इसके ल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे कुछ अपने हिसाब से, कुछ इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे फ़ोटो में मस्त सी टोन आ चुकी है। आपको लाइटिंग कम लगे तो यहाँ से आप लोग प्लस करके रेडियंट ग्रेडियंट सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, कुछ इस तरीके से इसको घुमाइए एंड ऐसे खींचिए और इसका फर्दर 100 कर दीजिए और लाइट बढ़ा दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे फ़ोटो में एक अलग सी टोन आ चुकी है जो कि बहुत सही लग रही है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।